2021 में उत्कृष्ट अंक पाने वाले छात्रों का सेंट पॉल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज की ओर से सत्कार किया गया। बता दें कि सेंट पॉल में करीब 300 छात्रों को 600 से ज्यादा अंक प्राप्त हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 28 अक्टूबर 2021 को एनटीए को नीट 2021 एग्जाम के नतीजे घोषित करने की परमिशन दी थी, जिसके बाद छात्र ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर बनाए हुए थे। इस पश्चात अंततः सोमवार को नीट के रिजल्ट घोषित किए गए। कई महाविद्यालयों के छात्रों की नीट की परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए, जिसमें सेंट पॉल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के विद्यार्थियों ने भी बेहतरीन अंक प्राप्त कर सेंट पॉल का नाम रोशन किया है, ऐसा संचालक राजूभाव टाकसांडे ने कहा। आगे बात करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षकों ने भी छात्रों को पढ़ाने के लिए अथक परिश्रम किया है। काल लागलेल्या नीटच्या परीक्षेमध्ये फर्स्ट नागपूर डिव्हिजनचा मेरिट हा आमच्या इथला होता आणि अनेक विद्यार्थ्यांनी या परीक्षेमध्ये नीटच्या परीक्षेमध्ये एक चांगला गुण मिळवले, त्याबद्दल मी सर्व विद्यार्थ्यांचे खूप मनापासून आभार मानतो। लॉकडाऊनच्या काळातसुद्धा विद्यार्थ्यांनी आपली खूप जास्त मेहनत करून आपला अचूक कसं करायचं, नीटच्या परीक्षेमध्ये जास्तीत जास्त मार्क कसे मिळवायचे यासाठी 14-14, 15-15, 10-10 तास अभ्यास करून नीटच्या परीक्षेमध्ये एक चांगलं परफॉर्मन्स दाखवलं आणि शाळेनेसुद्धा त्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाईनवर शिक्षण देण्यासाठी पूर्णपणे प्रयत्न केलात। प्रॅक्टिकलच्या आणि सर्व परीक्षेसाठी मार्गदर्शन करण्यासाठी पूर्ण आमची टीम सज्ज होती। या लॉकडाऊनच्या काळामध्ये विद्यार्थ्यांना त्रास होऊ नये म्हणून त्यांना ऑनलाईनवर कशा पद्धतीने चांगल्या पद्धतीने प्रॅक्टिकल करून घेता येईल ते सुद्धा शिक्षकांनी करून घेतलं। हा खऱ्या अर्थाने शिक्षकांचा, प्रिन्सिपलचा आणि सर्व टीमचं खऱ्या अर्थाने आभार मानायला पाहिजे की एक आज 600-696 मार्क तर फर्स्ट मेरिट आमचाच आहे सेंट पॉलचा आणि सर्वात जास्त मार्क मिळवणारे 600-238 विद्यार्थी या शाळेतून आज नीटच्या परीक्षेमध्ये पास झाले, त्याबद्दल मी सर्व विद्यार्थ्यांचं खूप खूप मनापासून पुन्हा एकदा आभार मानतो। सर्व विद्यार्थ्यांना दिवाळीच्या या पर्वावर नीटने रिझल्ट दिला, त्याबद्दल दिवाळीच्या सर्व सर्व विद्यार्थ्यांना शुभेच्छा। इस दरमियान बात करते हुए सेंट पॉल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज की प्रधान अध्यापिका देवांगना मुंडे ने कहा कि 698 अंक लाकर आर्यभान व्यवहारी नामक छात्र ने सेंट पॉल का नाम रोशन किया है। वहीं सेंट पॉल के करीब 300 छात्रों को 600 से ज्यादा अंक प्राप्त होने की जानकारी उन्होंने दी। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस साल नीट यूजी 2021 में हमारे छात्र ने अव्वल स्थान नागपुर और ऑल इंडिया में प्राप्त किया। हमारे कॉलेज में से 300 से ज़्यादा बच्चों ने 600 के ऊपर मार्क प्राप्त किए और कॉलेज का नाम रोशन किया। आर्यन व्यवहारे इस स्टूडेंट्स ने 696 मार्क लेके एक कॉलेज का नंबर वन और ऑल इंडिया रैंक में 200 की जगह उन्होंने प्राप्त की। इस दौरान सेंट पॉल के टॉपर आर्यभान व्यवहारी ने कहा कि कॉलेज के सपोर्ट से यह संभव हो पाया है। वही उनका कहना था कि कड़ी मेहनत और लगन से अगर पढ़ाई की गई तो आसानी से अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं। माझं नाव आर्यमान मिलिंद व्यवहारी आहे। मला नीट 2021 मध्ये 696 मार्क्स आले। माझा ऑल इंडिया रँक 243 आहे। कॉलेजचा नेहमी सपोर्ट राहिला आहे सुरुवातीपासूनच अभ्यासामध्ये, आणि जे काही म्हणजे जे काही सध्या प्रिपेअर करत आहे नीटसाठी त्यांना मला एवढंच सांगायचं आहे की सिन्सिअरली अभ्यास करा, प्रॅक्टिस करा, बरोबर रिझल्ट नक्कीच येतो। आता पुष्कळ लोकांचं असं म्हणणं होतं की ऑनलाईनमध्ये त्रास गेला, पण जेव्हा काही सोल्युशन नसते तेव्हा ॲडजस्ट करावंच लागत असते सिच्युएशनच्या हिशोबाने, काही ऑप्शन नव्हता दुसरा, तर अकॉर्डिंगली अभ्यास केला। आणि माझा असा काही फिक्स रुटीन नव्हता, कारण की म्हणजे मला रुटीन जमत नाही, तर मी मॅक्सिमम अभ्यास 10 तास करायचो दिवसातून, पण जनरली 8-9 तास असा राहायचा माझा अभ्यास रोजचा, पण हा कन्सिस्टंटली राहायचा, म्हणजे याच्यामध्ये कधी शॉर्टकट नाही मारले। बता दें कि अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम 12 सितंबर 2021 तक आयोजित किए गए थे। इस साल लगभग 16 लाख उम्मीदवारों ने नीट यूजी एग्जाम दिया था। वहीं एनटीए ने 15 अक्टूबर 2021 को प्रोविजनल आंसर की जारी की थी। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज नागपुर।